राष्ट्रपति के अभिभाषण में राम मंदिर की चर्चा नहीं है, 370 धारा समाप्त करने का उल्लेख नहीं है और शादी ब्याह के समान कानून बनाने के बारे में भी जिक्र नहीं है। आपने स्वदेशी का भी परित्याग कर दिया और ये बातें इस तरह से कही गई हैं जैसे ये बातें कहने वाले हमारे इस परित्याग से बड़े दुखी हैं। वो तो इन बातों की आलोचना करते रहे हैं, हमें इसलिए दोषी ठहराते रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं, 370 हम खत्म करने की बात कर रहे हैं, हम देश की एकता कैसे कायम रखेंगे, शादी ब्याह का समान कानून हो, भले ही संविधान में लिखा हो, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी हो, आप कैसे कह सकते हैं? और आप कहेंगे तो आप देश की एकता के तोड़क होंगे। और हम अगर कहते हैं कि नहीं ये हमारे इस समय के कार्यक्रम में नहीं है, हाँ इस समय का इसलिए कि हमें बहुमत नहीं है। हाँ सही, कोई छुपना छुपाने की बात नहीं, बहुमत मिलने से करते हैं। अच्छा, हम बहुमत के लिए लड़ रहे हैं। ये है यस, गेट आउट ऑफ बैग नाउ, गेट आउट ऑफ बैग। आखिर हम बहुमत, आखिर हमें जो जनमत मिला है, अगर आपको उस जनमत ने स्वीकार कर दिया है तो हमें भी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। हम तो बहुमत चाहते थे लेकिन बहुमत हमें नहीं मिला। अब हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं तो हमारा प्रयास है कि कोई आम सहमति से कोई चीज बने, कोई चीज चले। और इसीलिए हमने विवाद की बातों का उल्लेख नहीं किया। इस पर क्या आपत्ति है? हार नहीं मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता जाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसका अर्थ मैं ये निकालता हूं, वो कार सेवा रोकता नहीं है। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। रोकने का तो सवाल ही नहीं। कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा, पराक्रम किया जाएगा। मैं नहीं जानता कल क्या होगा, मेरे अयोध्या जाने की इच्छा थी मगर मुझे कहा गया तुम दिल्ली जाओ और मैं आदेश का पालन करूंगा। लेकिन मैं देख रहा कि सर्वोच्च न्यायालय में मामला है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपना एक ऑब्जर्वर नियुक्त किया हुआ है, रोकने का तो सवाल ही नहीं। कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा, पराक्रम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसका अर्थ मैं ये निकालता हूं, वो कार सेवा रोकता नहीं है। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब।